अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है। अच्छा, मरियम नवाज का ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने ट्वीट में लिखा हुआ है कि हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के बन गए। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने खान साहब पे, अल्लाह ताला का खास एहसान है कि जो इल्ज़ाम ये खान साहब पे लगाते थे वही मकाफ़त अमल इन पे हो रहा है। ये उसको सिलेक्टेड कहते थे, ये आज जो हुआ है ये सिलेक्टेड नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये कहते थे कि इमरान खान हमेशा आइन की खिलाफ वर्जी करता है, क्या ये आज आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? फ्लैटी होटल में खुद ही मीटिंग रखते हैं, MNS बुलाते हैं और हलफ उठा लेते हैं, क्या ये आइन के ख़िलाफ़ नहीं है? इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेता है वो हमेशा सरखरू रहेगा, और जो अमरीका के आगे ग़ुलाम बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, उनका हाल वही होगा जो आज फ्लैटी होटल में इनके साथ हुआ है। और दूसरे नंबर पे ये कहते हैं ना कि ये MPS का मैंडेट लेके आया हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँगा, जो MPS पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर वोट लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैंडेट लेके आए हैं, वो किस तरह हक रखते हैं कि वो इनको वोट देंगे? ये हमारा आइनी हक है बहसीयत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन वर्कर के तौर पर। मैं ये इस पर मुकम्मल एहतजाज करता हूँ, ये हक ही नहीं रखते कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर वो इलेक्शन लड़े, जीते और बाद में अपना वोट बेच के इन ज़मीर फरोशों पर इन बेकारियों को अपना वोट दें। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये इलेक्टेड हुकूमत थी, टोटली जितनी सिलेक्टेड हुकूमत थी ये वज़ीर आज़म की नाअहल हुकूमत थी, जितनी भी अपोजिशन वो कह रही है अभी। अगर ये सिलेक्टेड, आप कह रहे हैं ना सिलेक्टेड हुकूमत थी, तो खान आज कह रहा आ जाए सड़कों पर, इलेक्शन में आ जाए, अवाम में आ जाए। यही लोग आज से 2-3 माह पहले कहते थे कि खान साहब को अवाम में आने के लिए हेलमेट पहनने पड़ेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने आपसे पहले बात की है। हक और सच वो ज़्यादा देर के लिए होता है और जो झूठ है वो कम अरसे के लिए होता है, और अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो साबित भी हो गया कि आज वही लीडर सड़कों में अवाम के बीच में बैठा और लोगों का हजूम उसके सामने है, और ये लोग अपने ही होटल्स में मीटिंग्स करते हैं और खुद ही फैसले करते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये चोर है, अवाम का जीना हराम कर दिया था। हमारी हुकूमत में तो अवाम खुश थी, जो है जितनी भी महंगाई भी नहीं थी, अवाम नवाज शरीफ को याद कर रही है बार बार। मैं इस पर, मैं खुद एक दुकानदार हूँ, यकीन कीजिएगा कि देखिए महंगाई जो है ना हर दौर में होती है। एक पिछले 2 साल में जिस तरह कोविड आया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जिस तरह इम्पेक्ट आया वो आपके सामने है। मैं एक बात करूँगा, 2013 में जब ये इन्होंने गवर्नमेंट संभाली थी तब चीनी का क्या रेट था, और 2018 में जब इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी तब चीनी का रेट क्या था, 2013 में जब गवर्नमेंट इन्होंने शुरू इनकी आई तब आटे का रेट क्या था, 2018 में जब इनकी गवर्नमेंट गई आटे का रेट क्या था। महंगाई तब भी बढ़ी थी, महंगाई अब भी बढ़ी है। ये एक आलमी एक इम्पेक्ट है जो पूरी दुनिया में, जो इस वक्त जंगी हालात चले हैं या कोविड की वजह से पूरी दुनिया में ये महंगाई का इशू आया है। उन ममालिक में महंगाई आई है जहाँ कभी ज़िंदगी में महंगाई का ये चीज़ नहीं थी। और मैं एक चीज़ आपको एक चीज़ क्लियर इधर कर दूं, बिलीव कीजिएगा कि हमेशा महंगाई इशू नहीं रहा, हमेशा सोर्सेज ऑफ इनकम लोगों का ज़रिया मुआश इशू रहा है। महंगाई इशू होती तो आज दूसरे जो यूरोपीय ममालिक है वो हमारे ममालिक से महंगे हैं, लेकिन वो फिर भी इजी हैं। क्यों? उनका ज़रिया मुआश अच्छा है। खान साहब ने बिल्कुल ज़रिया मुआश पे वर्क कर रहा है, हमने महंगाई पे वर्क नहीं करना, हमने ज़रिया मुआश पे लोगों की कीमत खरीद होगी, महंगी चीज़ भी होगी वो भी खरीदेंगे। अच्छा, तो ये कितने भी कह रहे हैं कि अपोजिशन कह रहे हैं हमने इमरान खान को NR नहीं देना, हमने भागने नहीं देना, अगर ये भागा ये अपने बच्चों के पास भाग जाएगा, लेकिन हमने इसे भागने नहीं देना। अच्छा, मैं इस पर, इमरान खान के मुँह से कब ये निकला है कि मैं ये गवर्नमेंट चली गई तो मैं चला जाऊँगा? ना उसकी जायदादें बाहर हैं, ना उसका कोई और लेन देन बाहर है, उसका सब कुछ पाकिस्तान है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ आज मैं आपके कि अगर इमरान खान गवर्नमेंट जाने के बाद ये मुल्क छोड़ जाएगा, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। मुझे यकीन है कि मेरा लीडर कभी पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाएगा, उसका जीना मरना पाकिस्तान में है। ये इनकी बात करते हैं, ये अदम अतमाद वाले दिन मियां नवाज शरीफ टिकट करवा के वापस आ रहे थे, इनको यकीन था कि जनाब अदम अतमाद कामयाब हो जाना, मियां साहब आएंगे, और जब अदम अतमाद नकाब होता है वही टिकट कैंसिल हो जाती है। ये इनकी बीमारी थी, इनकी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ है, ना इनको इन अवाम के साथ है, इनको सिर्फ इक्तदार के साथ है। ये कभी भी अवाम से मैंडेट लेके नहीं आए, कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ के आए हैं, और कभी ये एस्टेब्लिशमेंट को या लोगों को ब्लैकमेल करके आए हैं, और इनको अवाम का मैंडेट कभी भी नहीं मिला। नवाज शरीफ वापस आएगा? नहीं, अगर तो देखिए मैं एक चीज़ इधर कर दूँ, अगर तो इनको कुछ इशारे हो गए कि जी गवर्नमेंट हमारी आएगी फिर आएगा,
नहीं आएगा, और वरना इसके अलावा वो कभी नहीं आएगा। और मैं ये यकीन से कहता हूँ इनकी गवर्नमेंट अब ख्वाब रहेगी, क्योंकि अवाम जाग चुकी है, अवाम भूखी रहना सीख लेगी, लेकिन खुददारी अब अवाम में आ चुकी है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे जी। ये जो अभी खत आया था वज़ीर आज़म को, ठीक है, वो कह रहे हैं अपोजिशन जितनी भी है वो कह रही है ये खुद साख्ता लिखा हुआ खत है, झूठा खत है, जैसी हुकूमत झूठी वैसा ये खत झूठा था। देखिए जी, उस पर मैं आपको तफसील से बात करता हूँ जी। आप ये देखिएगा, पिछले दिनों में आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी तस्वीरें देखी होंगी जो मुनहरफ अरकान है या ये अपोजिशन की लीडरशिप है वो सॉरी अमेरिकन कॉन्सलेट से मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली कल या परसों की बात है कि इंडिया चैनल्स पे बैठ के अमेरिकन कॉन्सलेट खुद अपने मुंह से करार कर रहा है कि हम इसके पीछे हैं, हमने बिल्कुल अदम अतमाद को सपोर्ट किया अपोजिशन को, हम किसी जमात के साथ नहीं, हम सब जमातों के जो एक साइड भी उनके साथ सपोर्ट किया। और दूसरी बात, अगर ये खत झूठा था जब सलामती कौंसिल का अजलास हुआ, ये तब क्यों नहीं उस अजलास में आए? इन्हें पता था कि हमें हमारा चेहरा दिखा दिया जाएगा कि हम गद्दार हैं, इस कौम के, इस मुल्क के गद्दार हैं। अगर ये खत झूठा था ये सलामती कौंसिल में, और ये देखें ये अदारों की बात करते हैं ना, जब अदारे इनके हक में कोई फ़ैसला आ जाए तो अदारे अच्छे, जब इनके हक में फ़ैसला ना अदारे, ये वही अदारों ने, चारों अदारों के चीफों ने उस अदारे को, उस खत को स्टैंप लगा के वेरीफाई किया है कि यह खत बिल्कुल हकीकत और सच है। अच्छा, और अगर ये सच नहीं तो अदालत में आए, उधर आके साबित करें, उधर नहीं आएंगे। मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ कि ये खत पे कभी भी अचीव अदालत में बयान अचीव सॉरी सुप्रीम कोर्ट में ये इसको नहीं लेके आएंगे, इन्हें पता है कि हम गद्दार साबित होंगे। ठीक है, तो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? 3 माह बाद इलेक्शन आ रहे हैं, मैं आवाम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अपने दिल की, अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। ये महंगाई, इनके पास सिर्फ एक ही नारा है कि महंगाई, इनसे पूछिएगा कि किस दौर में महंगाई नहीं हुई। मुझे इस लीडर ने, जो इमरान खान लीडर है, इसने खुददारी दी है, इसने मेरा सर फ़खर से बुलंद किया है, हमेशा खुददारी और मुसलमान सॉरी इसमें ये एक चीज़ ऐड करूँगा, मुसलमान के लिए भूख रखना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुददारी को कायम रखना इसके लिए सबसे बड़ी बात है। हम बासियत मुसलमान, मैं कौम से ये कहूँगा खुददारी पे वोट दें, पाकिस्तान की सालमियत के वोट ले के लिए वोट दें, पाकिस्तान के वतन के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए वोट दें। शुक्रिया जी।